What is going on? Welcome back guys to the channel and ये वीडियो में जो है मैं आपसे जो है एक इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ अबाउट द वॉरजोन मोबाइल, जो सुन के आप शायद से यहाँ पे खुश होंगे एंड शायद से इस गेम को भी जो है वो बहुत ही फायदा दिला सकता है। ठीक है, तो जैसे आपने टाइटल एंड थंबनेल देखा है, मुझे पता नहीं थंबनेल मैंने कैसे किया होगा, लेकिन जैसे आपने टाइटल देखा है गाइस, तो इट इज कंफर्म गाइस सॉर्ट ऑफ कि यहाँ पे वॉरजोन जो है पूरा का पूरा जो है हमें ऑप्शन देने वाली है ग्राफिक्स डाउनलोड करने के लिए। अभी मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, कहाँ से पता चला, वो सब जो है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है डू गिव इट अ लाइक। बैकग्राउंड में जो आप गेमप्ले देख रहे हो वो प्लंडर मोड का है। फिलहाल के टाइम में आई थिंक रिसर्जेंस के बाद प्लंडर मोड एक अच्छा है क्योंकि उसमें जो है बहुत सारे रियल प्लेयर्स देखने को मिल रहे हैं। सो वीडियो को जो है स्टार्ट करते थे, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले बात करते हैं आज के वीडियो के स्पॉन्सर की। बट उसके पहले जो है मैं आपको यहाँ पे एक ऐप दिखाने वाला हूँ जो कि है यहाँ पे लैगोफास्ट नाम का। डिस्क्रिप्शन में जो है मैं आपको लिंक्स दे दूंगा एंड उसी के साथ अगर आप प्ले स्टोर पे भी सर्च मारते हो तो यहाँ पे जो है लैगोफास्ट मोबाइल गेम बूस्टर है जो यहाँ पे वीपीएन की तरह भी काम करता है। अगर आप वॉरजोन मोबाइल खेलते हो गए तो आपके लिए जो है ये बहुत बहुत काम की चीज है। यहाँ पे जो है आपको इसके अंदर बहुत सारे सर्वर्स देखने को मिलते हैं, बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। स्पेशली जो है अगर मैं आपको यहाँ पे वॉरजोन मोबाइल का दिखाऊं तो यहाँ पे जो है इजी लॉबी के लिए भी जो है अलग सर्वर्स आपको राइड अवे यहाँ पे दिए गए हैं एंड अगर नॉर्मल भी जो है आपको खेलना है दूसरे रीजन में कनेक्ट होके तो आप वो भी कर सकते हो। यहाँ पे जो है बहुत सारे आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपको इजी लॉबी के सर्वर्स देखने को मिलते हैं, तो शायद से बॉट लॉबी हो सकती है। अगर जो है आपको यहाँ पे वेपन एक्सपी ग्राइंड करना है, नॉर्मल एक्सपी ग्राइंड करना है, तो आप जो है ये सर्वर्स यूज कर सकते हो एंड इट इज वेरी इजी टू यूज। अगर आपको यहाँ पे हाई पिंग भी मिल रही है, जैसे मुझे जो है मोस्टली यहाँ पे 200 पिंग की कैटेगरी में जो है कभी कभी मैच मिलती है, तो ये यूज करने के बाद जो है आप क्लोजेस्ट से क्लोजेस्ट सर्वर में जो है कनेक्ट हो सकते हो। अभी जैसे देख रहे हो इंडिया लोकेशन, अभी जैसे देख रहे हो कैसे अगर मैं एशिया आईपी में जाता हूँ, इंडिया सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे जो है क्लोजेस्ट से क्लोजेस्ट जो है मुझे इतने सारे कम पिंग वाले जो है यहाँ पे सर्वर मिलते हैं, तो मैं श्योर कर देता हूँ। एंड इसके बाद जो है मैं सेव करके जो है यहाँ पे गेम ओपन कर देता हूँ, तो अगर मैं ये सेटिंग ओपन करके जो है गेम ओपन करूंगा तो मुझे जो है बहुत कम यहाँ पे पिंग मिलती है। तो आप भी जो है ट्राई कर सकते हो, कमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन में जो है मैं आपको इसके लिंक दे दूंगा। यहाँ भी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे फ्री ट्रायल भी है, तो आप जो है फ्री ट्रायल यूज कर सकते हो एंड अगर आपके लिए बहुत इफेक्टिव होता है आप जो है यहाँ पे परचेस भी कर सकते हो, तो वो एक बहुत अच्छी चीज है। FPS बूस्ट भी मिलता है, पिंग भी लो मिलती है, सो ओवरऑल जो है गाइस ये यूज करने के बाद वॉरजोन का एक्सपीरियंस थोड़ा आपको बेटर देखने को मिलेगा। सो अगर आपको ट्राई करना है डिस्क्रिप्शन में जो है गाइस मैं आपको इसके लिंक दे दूंगा, डू चेक इट आउट यहाँ पे पहले लिंक क्लिक करने के बाद। एंड अभी जो है गाइस बढ़ते हैं हम पॉइंट के ऊपर, तो सबसे पहली बात जो है यहाँ पे आती है वॉरजोन मोबाइल से रिलेटेड अगर बिग इशू की, वो जो है गाइस यहाँ पे हीटिंग का। ठीक है, मतलब हीटिंग की वजह से ही जो है यहाँ पे 90% ऑफ द प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं, यू नो लाइक लैग का, मोस्टली लैग का, क्रैशेस का। सो गाइस हीट एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से गेम के अंदर दिक्कतें आ रही है एंड वो हीट भी जो है वो क्यों हो रहा है, इसका मेन रीजन है ऑफ कोर्स गेम हैवी है, वो तो अलग बात है, लेकिन हीटिंग को जो है गाइस और थोड़ा जो बढ़ावा दे रहा है वो जो है यहाँ पे स्ट्रीमिंग वाली बकचोदी। ठीक है, सो यहाँ पे जैसे आपको पता है इन्होंने जो है गाइस इस गेम के अंदर एक न्यू टेक्नोलॉजी ऐड की, न्यू टेक्नोलॉजी नहीं कहूंगा, एक न्यू फीचर ऐड किया स्ट्रीमिंग या फिर डाउनलोडिंग एसेट जैसे जैसे आप खेलते हो वैसे वैसे। ठीक है, अब ये जो है पता नहीं ये लोग क्या सोच रहे थे, आई मीन मे बी शायद से उन्होंने ये कभी एक्सपीरियंस नहीं किया इसके बाद का जो क्लैश होगा, लेकिन अभी जो है गाइस वो हमें देखने को मिल रहा है कि ऐसा फीचर ऐड करने के बाद जो है गाइस क्या होता है। ठीक है, तो ये जो चीज है भले ये सुनने को जो है गाइस यहाँ पे बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, बहुत यूनिक लगती है, यू नो जैसे हम यूट्यूब के वीडियो कैसे देखते हैं, जैसे आपने कोई न्यू वीडियो लोड की तो वो यू नो बफर होती है, डेटा यूज होता है, उसके बाद जो है गाइस आपको आगे की वीडियो वो दिखाते हैं, तो वैसे जो है गाइस ये गेम भी वही कुछ तो टेक्नोलॉजी यूज करता है। जैसे आप गेम के अंदर चले जाते हो तो वैसे जो है गाइस यू नो वो रिसोर्सेज जो है गाइस वो बैकग्राउंड में तभी के तभी डाउनलोड होते हैं एंड तभी के तभी जो है गाइस आपको वो सब चीजें जो है रिफ्लेक्ट हुई हुई दिखती है। ठीक है, अभी इसके अंदर डेफिनेटली बैकग्राउंड में जो है गाइस डेटा यूज हो रहा है एंड बहुत ही जबरदस्त वाला डेटा यूज होता है। ठीक है, एंड ये ऐसे ही नहीं कि भाई गेम के अंदर चले जाओगे तभी जो है ये चालू होता है, ऐसा नहीं है। गेम जैसे आपने लोड कर लिया ना, आप जैसे लॉबी में पहुंच जाते हो, भाई पता नहीं ये भाई इतना भूखा है ये नेट का, भाई नेट कंज्यूम करना चालू कर देता है। मैंने ट्विटर पे भी जो है गाइस एक पोस्ट डाली है, मैंने जस्ट गेम लॉग इन किया, यू नो एंड ये हर टाइम होता है, मैं जस्ट गेम लॉग इन कर देता हूँ एंड लॉबी में पहुंच जाता हूँ एंड जैसे ही मैं नोटिफिकेशन नीचे करता हूँ, भाई 2-3 MBPS बैकग्राउंड में यूज हो रहा है, पता नहीं क्या भाई डाउनलोड कर रहा है। सो उस वजह से जो है गाइस यू नो बैकग्राउंड में ऑफकोर्स इतना डेटा डाउनलोड हो रहा है एंड पता नहीं वो इंस्टॉल भी हो रहा है फिर नहीं हो रहा है, साइड बाय साइड होता ही होगा कुछ ना कुछ डाउनलोड कर रहा है, तो उसी वजह से जो है गाइस ये लॉबी में जो है मेरा डिवाइस इतना गर्म हो जाता है, भाई लॉबी में ही मेरा डिवाइस 41-42 पे पहुंच जाता है, तो समझ जाओ जब मैं गेम खेलूंगा वो कितना जाए। एंड इस वजह से जो है गाइस ये 45-46 पे जो है गाइस मेरा डिवाइस खेलते वक्त पहुंच जाता है। आप ये गेम प्ले में भी देख सकते हो, मैंने एक सेकंड के लिए जो है गाइस आई थिंक मीटर ऑन किया था एंड मेरा डिवाइस का टेम्परेचर जो था वो 46 पे गया था, तो भाई मतलब ये सब बकचोदी चल रही है। तो उस वजह से जो है गाइस यहां पे वॉरजोन वाले डिसाइड कर रहे हैं कि डायरेक्टली जो है गाइस यहां पे ग्राफिक डाउनलोड का ऑप्शन दे दे, तो विच इज अ गुड थिंग। ठीक है, अभी मैं आपको सामने फोटो दिखाता हूं जो यहां पे यू नो सर्कुलेट हो रहा है। अभी शायद से ये ऐसे भी सुनने में आ रहा है कि ये फोटो जो है ये फेक है, फोटोशॉप किया गया है, लेकिन मैंने जो है और थोड़ा यू नो जांच पड़ताल की एंड मैं जो हूँ यहाँ पे सोर्स के ऊपर जो है पहुंच गया, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। आई थिंक रेडिट पे जो है कम्युनिटी मैनेजर ने या फिर ऑफिशियल के वॉरजोन के साइड से जो है एक बंदे ने लिखा है, तो उस बंदे ने लिखा है कि यू नो ये एसेट्स वाला जो भी सीन है ये इस वजह से उन्होंने डाउनलोड किया क्योंकि लॉन्ग रन में जो है गेम की साइज बढ़ना जाए। ठीक है, अगर राइट अवे जो है डाउनलोड करने
का ऑप्शन दे दिया ग्राफिक का, तो शायद से बहुत स्टोरेज हो सकती है। और पता नहीं कितने जीबी का ये ग्राफिक पैक होगा जो हमें डाउनलोड करने को मिलेगा अगर ये लोग वो फीचर ऐड करते तो। लेकिन इनका जो कहना है वो ऐसा है कि यू नो लॉन्ग रन के लिए जो है उन्होंने ऐसे ये स्ट्रीमिंग वाला जो फीचर है वो ऐड किया है ताकि यू नो गेम की जो स्टोरेज है वो यहाँ पे जितना हो सके उतना कम से कम रहे, क्योंकि यहाँ पे इस गेम के अंदर बहुत सारा कंटेंट आने वाला है। जैसे आपको पता है ये जो है पीसी वर्जन वगैरह से कनेक्टेड है, तो जितना भी माल मटेरियल पीसी वगैरह में आएगा यू नो स्किन्स ऑपरेटर रॉयल पास एंड ऑल, तो सब जो है सब मोबाइल वर्जन में क्रॉस प्रोगेशन होने वाला है, ठीक है। सो दैट्स द रीजन उन्होंने ऐसा कहा कि भाई यू नो जितना हो सके उतना यहाँ पे उन्हें स्टोरेज कम रखनी है। अभी अगर स्टोरेज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो है जो डिवाइस पे मैं यू नो ज्यादा खेलता हूँ यहाँ पे S23 पे, तो इस पे जो है मैंने गेम की स्टोरेज यहाँ पे चेक मारी एंड यहाँ पे 11.27 जीबी का फिलहाल के टाइम में गेम है, ठीक है। डू लेट मी नो गाइस अभी के अभी चले जाओ, अगर आपने गेम रखा है मुझे बता देना आपके डिवाइस में वॉरजोन मोबाइल की फिलहाल के टाइम में स्टोरेज कितनी है, यू नो अगर आप डेली बेसिस पे खेलते हो। सो मुझे ऐसा लगता है अगर इन्होंने जो है यहाँ पे यू नो डायरेक्टली ऑप्शन दे दिया डाउनलोड करने का यू नो ग्राफिक्स पूरा का पूरा एक ही टाइम में, तो यहाँ पे जो है शायद से इस गेम की साइज और बढ़ेगी, वो भी थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। होपफुली ये लोग यू नो उसमें भी कुछ जो है थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस ला दे, जैसे कि आई थिंक पबजी वगैरह में जो है हम इंस्टॉल करते हैं तो यू नो लो ग्राफिक ऑप्शन HD ग्राफिक ऑप्शन ऐसे दो ऑप्शन देखने को मिलता है। आई थिंक अरीना ब्रेकआउट में भी है, टेंसेंट के आई थिंक हर एक गेम में ऐसे दो ऑप्शन देखने को मिलता है लो एंड देन HD वाला, तो ऐसे अगर दो ग्राफिक वाले पैक्स आ गए तो वो भी जो है आई थिंक बहुत काम आ सकता है। सो देखते हैं गाइस कैसे क्या वर्कआउट होता है यहाँ पे फिलहाल के टाइम में जो है और अपडेट्स आएंगे, ठीक है। मेजर अपडेट की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जो है वॉरजोन मोबाइल वीकली जो है यहाँ पे पैचेस रिलीज करेंगे जिसमें जो है यहाँ पे यू नो ऑप्टिमाइजेशन होगा, बग फिक्सेस होंगे एंड शायद से ये फीचर भी वो लोग इंप्लीमेंट कर दे, कुछ कह नहीं सकते। सो दैट्स इट गाइस, इतना ही था इस वीडियो में, जरूर बता देना आपके क्या थॉट्स है वॉरजोन मोबाइल के ऊपर, अभी भी आपने होप्स रखे हैं या फिर नहीं रखे हैं। बहुत सारे जनों ने शिफ्ट मार दिया है, ब्लड स्ट्राइक वगैरह खेल रहे हैं, बहुत सारे जन ऐसे भी है कि भाई जितना भी तपना है तपने दे मोबाइल, मैं तो भाई वॉरजोन के अलावा कोई गेम नहीं खेलूंगा, ऐसे भी डायहार्ड वाले फैंस है। मुझे पता नहीं वो लोग ने सच में कहा या फिर सार्केज्म वे में कह रहे, जो भी है कमेंट सेक्शन में बता देना। हम जो है यहाँ पे चैनल पे हर एक गेम कवर कर रहे हैं, बट जैसे मैंने कहा वॉरजोन को मैं थोड़ा सा ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा हूँ। सपोज गाइस मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, एंड एक और चीज आई थिंक पबजी के ग्लोबल बेटा में जो है कुछ ट्रांसफॉर्मर वाला मोड जो है उन्होंने ऐड किया है, तो मैं सोच रहा हूँ उसकी भी आपको वीडियो दिखा दूँ, तो शायद से कल जो है उसकी वीडियो आ सकती है, तो स्टे ट्यून्ड रहना एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल दैट टेक केयर एंड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Find medical. Supply shop is inbound. Rear cargo is on board. Enemy dropping into the AO. Helo is inbound for deposit. Helo is in position. Bag is in position.